अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। मैं कुशीनगर पड़राना से आता हूं। अफसोस की बात है कि अप्रैल का महीना समाप्त हो रहा है और आज भी किसान पर्ची के लिए मारामारी कर रहा है और पर्ची उसको मिल नहीं रही है। देखा जाए जो पेमेंट भी मिल रहा है उसमें भी पैसे काट कर किसानों के बैंक में आ रहे हैं। क्या इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी? गेहूं खड़ा है और गेहूं की फसल सब कट के तैयार हो जाएगी। क्या किसानों के बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं जानते हैं? उन्होंने क्या सोच रखा था किसानों के बारे में? क्या किसान देशभक्त नहीं है? क्या बेरोजगार इस देश का देशभक्त नहीं है? क्या किसान और देशभक्त और बेरोजगारी के बारे में प्रधानमंत्री मुद्दे नहीं बना सकते? क्या भ्रष्टाचार के बारे में भी नहीं बता सकते? क्या किसान और बेरोजगार वो देशभक्त नहीं है? क्या उसका मुद्दा नहीं है? क्यों नहीं प्रधानमंत्री बात करते हैं? इसलिए बात नहीं करते हैं कि 2014 में उन्होंने जो जो वादे किए थे, अगर वो अपना भाषण 2014 का सुन लें तो मुझे लगता है 19 में अपने आप को वोट नहीं देंगे। इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। 14 में उन्होंने भगवान राम की बात करी थी, भगवान राम का आलिशान मंदिर बनाऊंगा, मुद्दा ही नहीं रह गया इसमें। इस बार अब बोल रहे हैं, अब मैं जब इलेक्शन समाप्त हो रहा है तब उनको याद आया है कि भगवान राम भी हैं। क्योंकि जिसने किसानों को छला हो, बेरोजगारों को छला हो, गरीबों को छला हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान राम भी माफ़ नहीं करें।